रहा हूँ और जबरदस्त इसका कटाई रेडियंस है। ये लेफ्ट साइड का हो गया। एयर फिल्टर की बात करें तो आपको ड्राई टाइप एयर क्लीनर मिलने वाला है जिसमें आपको दो फिल्टर मिल जाते हैं और ये चौक सेंसर के साथ में आपको कंपनी के अंदर एक्साइड जो कि ट्रस्टेड इंडिया की सबसे ट्रस्टेड कंपनी है एक्साइड, उसकी बैटरी कंपनी प्रोवाइड को डबल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग आपको मिलने वाली है इस ट्रैक्टर में, जिसका की सेपरेट ऑयल आपको इस टैंकी में मिलने के अंदर अल्टीनेटर 12 वोल्ट 36 एम्पियर का आपको अल्टीनेटर आपको मिलने वाला है। अगर गियरों की बात करें तो इसमें आपको 12 फॉरवर्ड सिंक्रोनाइजेशन गियर आपको मिलने वाले हैं और 12 रिवर्स ही मिलने वाले हैं। तो इसमें आपको डुअल डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व मिलने वाले हैं जो कि कंपनी आपको हुआ है, जो जेसीबी के अंदर आता है। शटल गियर आप देख सकते हैं, इसके अंदर शटल गियर है। इसकी वजह से आप इसको जितनी स्पीड आपको आगे मिलती है उतनी स्पीड आप पीछे भी ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं एग्रोटेक। आज हम ऐसे पावरफुल ट्रैक्टर का फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं जो अपने आप में भरोसेमंद ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज के अंदर माना जाता है। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या है वो हम आपको बता देते हैं। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम बात करें तो आपको ये कंपनी फिटेड हैवी ड्यूटी एडजस्टेबल आपको फ्रंट एक्सल आपको मिलने वाला है जो कि कंपनी प्रोवाइड करती है। एक्स्ट्रा अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं इसमें एक्स्ट्रा इसके अंदर जाली दी हुई है जो कि कोई कंपनी नहीं देती है। आप इसके अंदर जो देख रहे हैं जाली, ये प्रीमियम क्वालिटी की जाली आपको प्रोवाइड करती है कंपनी, जो कि रेडिटर में आपको देखने को मिलती है। उसके बाद में हम इस ट्रैक्टर के इंजन की बात करें तो आप देख सकते हैं इसके ये 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है और इसके अंदर 4 सिलेंडर इनलाइन पंप दिया हुआ है बॉस्को का, जो कि ये 57 HP पावर को जनरेट करता है। उसके बाद में हम बात करें तो आप देख सकते हैं इस ट्रैक्टर में आपको डीजल फिल्टर यहां पे प्रोवाइड करती है कंपनी। उसके बाद में आपको वाटर सेपरेटर की पोजीशन यहां पे देखने को मिल जाती है। उसके बाद में हम बात करें तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग आपको मिलने वाली है इस ट्रैक्टर में, जिसका कि सेपरेट ऑयल आपको इस टैंकी में मिलने वाला है। सेपरेट ऑयल आपको 2.5 लीटर का सेपरेट ऑयल मिलता है जिससे कि मेंटेनेंस कम होता है। अगर आपको ऑयल बदलवाना पड़े तो केवल आपको 2.5 लीटर ऑयल ही बदलवाना पड़ता है, तो इसमें मेंटेनेंस कम आता है इस तरीके से। तो ये भी फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस ट्रैक्टर के अंदर। फिर आप देख सकते हैं नॉर्मल फीचर की हम बात करें तो आपको लोहे का जो है आपको टूल बॉक्स कंपनी प्रोवाइड करती है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में हीटिंग गार्ड आप देख सकते हैं इसके अंदर, अगर आप ट्रैक्टर चलाते वक्त आपको गर्माई लगती है तो हीटिंग गार्ड इसमें प्रोवाइड करती है कंपनी। तो इस तरीके से भी ये ट्रैक्टर काफ़ी एक्स्ट्रा है। हम अगर कूलेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें 1 लीटर का कूलेंट बॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। रेडिएटर की पोजीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है जिसमें प्रीमियम क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। हम अगर एयर फिल्टर की बात करें तो आपको ड्राई टाइप एयर क्लीनर मिलने वाला है जिसमें आपको दो फिल्टर मिल जाते हैं और ये चौक सेंसर के साथ में आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। उसके बाद में आप देख सकते हैं बैटरी की पोजीशन नीचे दी हुई है जिससे कि हवा पूरी तरीके से रेडिएटर के अंदर जाए और ट्रैक्टर का जो इंजन है उसकी पावर को इन्हेंस कर दे। तो आप ये देख सकते हैं इसके अंदर एक्साइड जो कि ट्रस्टेड इंडिया की सबसे ट्रस्टेड कंपनी है एक्साइड, उसकी बैटरी कंपनी प्रोवाइड करती है और ये आपको 12 वोल्ट 60 आपको मिलता है और 80 Ah की बैटरी आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी फिटेड आपको हैवी ड्यूटी बम्पर मिलने वाला है 80 से 90 kg का, कंपनी आपको हैवी ड्यूटी बम्पर प्रोवाइड करती है। आगे हम बड़े इस ट्रैक्टर में तो आप देख सकते हैं इसके अंदर अल्टीनेटर 12 वोल्ट 36 एम्पियर का आपको अल्टीनेटर आपको मिलने वाला है इस ट्रैक्टर में। उसके बाद में आप देख सकते हैं किसी भी ट्रैक्टर में टेंडम पंप आता है, लेकिन इसमें आपको टेंडम पंप की जगह डुअल पंप दिए हुए हैं जो कि अलग अलग सेपरेट पंप है। अगर हाइड्रोलिक का पंप खराब होता है तो आप उसको खोल के हाइड्रोलिक के पंप को सही कर सकते हैं। अगर पावर स्टीयरिंग का पंप खराब होता है तो उसको आप अलग खोल के पंप को ठीक कर सकते हैं। इस तरीके से मेंटेनेंस कम आता है, तो आपको इसमें डुअल पंप आपको देखने को मिलता है इस ट्रैक्टर में। उसके बाद में आप इंजन ऑयल फिल्टर की पोजीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है जो कि काफी हैवी है, और उसके बाद में हाइड्रोलिक जो फिल्टर है
उसकी हम बात करें तो काफी लंबा और चौड़ा हाइड्रोलिक फिल्टर दिया है, जो कि डुअल फिल्टर आपको देखने को मिल जाता है। एक फिल्टर आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि कचरे को साफ रखता है, उसके बाद में अगर कोई कचरा आ भी जाता है तो बाद में ये फिल्टर उसको साफ रखता है ऑयल को। तो ये भी हम आपको काफी एक्स्ट्रा लगा इसके अंदर। फिर आप देख सकते हैं अगर आपको लोडर वगैरह फंसाना हो तो इसके लिए भी कंपनी ने यहाँ पे हॉल दिए हुए हैं, जिससे कि आप इसको ट्रैक्टर में लोडर वगैरह फंसा सकते हैं। अगर हम टायरों की बात करें तो आप देख सकते हैं जो आगे के टायर है वो आपको 750/16 के मिलने वाले हैं। पीछे के अगर हम टायरों की बात करें तो आप देख सकते हैं इसके अंदर 16/9/28 के टायर आपको मिलने वाले हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये सेंसर दिया हुआ है जो कि टेम्परेचर को बताता है। इसके इंजन रेटेड आरपीएम की बात करें तो 2100 इंजन रेटेड आरपीएम देखने को मिल जाता है इस ट्रैक्टर के अंदर। उसके बाद में हम आपका है 230 का मैक्सिमम टॉर्क इस इंजन में देखने को मिल जाता है। फिर हम पीटीओ की बात करें तो आपको 45.86 की आपको पीटीओ पावर मिलने वाली है। इसके बाद में हम सीसी की बात करें तो 4067 सीसी का आपको इंजन मिलने वाला है। फिर आप देख सकते हैं इसमें आपको डबल हैंडिंग रोड दी हुई है जो कि हाइड्रोलिक रोड है, और ये सिंगल पीस बोनट आपको देखने को मिल जाता है इस ट्रैक्टर में। तो ये भी कंपनी फिटेड ही आपको मिलने वाला है जो कि इसकी लॉन्ग लाइफ को बढ़ा देता है। अब हम बात करते हैं कि ये ट्रैक्टर कौन सा है, तो ये आप देख सकते हैं सोलिस की तरफ से आने वाला ये 5724 ट्रैक्टर है जो कि जापान से कोलोब्रेशन है, म्यांमार जापान से, और ये आपको 5 साल की इंजन वारंटी देता है। ट्रांसमिशन की भी आपको 5 साल की वारंटी इसमें मिलती है। तो ये सोलिस की तरफ से आने वाला ट्रैक्टर है जिसमें आप इसका फ्रंट लुक देख सकते हैं किस तरीके का स्पोर्टी लुक दिया है कंपनी ने। जो गाड़ियों में जो लैंप आते हैं, हेडलैम्प आते हैं, वो इसमें दिए प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो कि 1.5 किलोमीटर तक की रेंज को कवर करते हैं। तो इस तरीके से ये सोलिस का 5724/57 HP का ट्रैक्टर आपको मिलने वाला है किसान भाइयों। हम अगर गियरों की बात करें तो इसमें आपको 12 फॉरवर्ड सिंक्रोनाइजेशन गियर आपको मिलने वाले हैं और 12 रिवर्स ही मिलने वाले हैं। वो 12 रिवर्स कौन कैसे मिलेंगे वो हम आपको इस ट्रैक्टर में बताते हैं, क्योंकि इस ट्रैक्टर के अंदर वो गियर दिया हुआ है जो जेसीबी के अंदर आता है, शटल गियर। आप देख सकते हैं इसके अंदर शटल गियर है। इसकी वजह से आप इसको जितनी स्पीड आपको आगे मिलती है उतनी स्पीड आप पीछे भी ले सकते हैं। तो टोटल मिला के इसमें 24 गियर होते हैं। आप देख सकते हैं लॉन्ग लाइफ चलने वाला फुटरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फ्लैट आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे पायदान आपको देखने को मिल जाते हैं। पटलिंग करते समय आपको ये आपका पैर फिसले नहीं, उसके लिए हॉल यहाँ पे दिए हुए हैं। और आप देख सकते हैं क्लच में भी आपको हॉल देखने को मिल जाते हैं, जिस समय पटलिंग करते हैं उस समय आपका पैर फिसले नहीं। तो ये ट्रैक्टर अब हम आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिखाने वाले हैं, इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्यूल की जो एफिशिएंसी है वो यहाँ पे दिखाई हुई है, उसके बाद में आरपीएम की एफिशिएंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, और उसके बाद में आप देख सकते हैं आवर्स की डिजिटल में एफिशिएंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, उसके बाद में बैटरी की एफिशिएंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, न्यूट्रल का जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, आप एन लिखा हुआ है। टेम्परेचर की बात करें तो आपको यहाँ पे टेम्परेचर देखने को मिल जाता है। उसके बाद में हम इसका रेडियंस चेक करेंगे और इसकी आवाज़ चेक करेंगे इस ट्रैक्टर की। तो आप बने रहिए वीडियो में। तो देखिए आप इसका ये इसकी स्टार्टिंग है इस ट्रैक्टर की। आप देख सकते हैं क्या आवाज है। अब हम आपको इसका रेडियंस दिखाते हैं, कटाई रेडियंस। तो आप देख सकते हैं मैं एक हाथ से काट रहा हूं और जबरदस्त इसका कटाई रेडियंस है। ये लेफ्ट साइड का हो गया। अब मैं आपको राइट साइड का दिखाता हूं। आप देख सकते हैं राइट साइड का पूरा कट जाता है ये। इसका कटाई रेडियंस बहुत अच्छा है, छोटे से जगह में ये कट जाता है ये ट्रैक्टर। तो इस हिसाब से भी ये ट्रैक्टर काफ़ी पावरफुल ट्रैक्टर है। आपने जो ट्रैक्टर देखा इसकी आवाज़ काफ़ी
शानदार आवाज है। आप देख रहे हैं इसमें 65 लीटर का डीजल टैंक आपको देखने को मिलता है इस ट्रैक्टर में। उसके बाद में हम कुछ और फीचर्स की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं 5724 सॉलिस का यह सॉलिड ट्रैक्टर है। आपको इसमें जाली देखने को मिल जाती है जो कि हवा को, ठंडी हवा को खींच के और रेडिएटर में जाती है और इंजन की पावर को इनहेंस कर देती है, और ये जो गर्म हवा है वो ऊपर की साइड को निकल जाती है इस जाली के अंदर। आप देख सकते हैं साइलेंसर जो कि बिल्कुल आवाज नहीं करता है, बिल्कुल साइलेंट साइलेंसर है इसका। तो आप इसके इंडिकेटर देख सकते हैं, एलईडी इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाते हैं इस ट्रैक्टर में जो कि बहुत कम मिलते हैं बड़े ट्रैक्टरों में। तो उसके बाद में आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको पैसेंजर ग्रीव हैंडल आपको देखने को मिल जाता है, उसके साथ में आपको ये गद्दी भी प्रोवाइड करती है कंपनी। इस तरीके से ये ट्रैक्टर काफी पावरफुल है। आप देख रहे हैं इसमें आपको ग्रीव हैंडल भी मिलने वाला है जिससे कि आप आसानी से इसमें चढ़ सकते हैं। तो पीछे की तरफ हम आपको लेके चलें तो आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम हाइड्रोलिक लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, तो इसकी जो हाइड्रोलिक लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो 2500 केजी की हाइड्रोलिक लिफ्टिंग कैपेसिटी है। उसके बाद में हाइड्रोलिक डेफ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल की बात करें तो आपको 3 लिंकेज के साथ में आपको हाइड्रोलिक डेफ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल मिलने वाला है इस कंपनी की तरफ से। आप देखें तो इसमें आपको ड्यूअल डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व मिलने वाले हैं जो कि कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। अगर आप इसको इधर कर देते हैं तो ये सिंगल वॉल्व हो जाता है, और अगर आप चाबी की मदद से आप इसको इधर कर देते हैं तो ये डबल वॉल्व हो जाते हैं, जिससे कि आप प्लाउ वगैरह और आप लेवलर वगैरह चलाते हैं। तो इसमें ये एरो भी दिया हुआ है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सीट की हम अगर बात करें तो एडजस्टेबल इसकी सीट है। फिर आप देख रहे हैं कनेक्टिंग रॉड दी हुई है जिससे कि मगराट वगैरह बिल्कुल भी ना हिले। तो आपको देख सकते हैं इसमें रिफ्लेक्टर आपको देखने को मिल जाता है। आपको बोतल रखने के लिए आपको इसमें कैरियर पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। काफ़ी ध्यान रखा है कस्टमर का कंपनी ने। आप देख सकते हैं इसमें जो इसका रियर एक्सर है वो आपको डबल रियर एक्सर आपको मिलने वाला है, जो कि कंपनी फिटेड हैवी ड्यूटी रियर एक्सर दिया है कंपनी ने। आप देख सकते हैं पीटीओ की अगर हम बात करें तो इसमें आपको रिवर्स पीटीओ, मल्टी स्पीड पीटीओ आपको मिलने वाली है। 540 तो आपको मिलेगा ही। बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है, बहुत पावरफुल ट्रैक्टर है। 57 HP का इंडिकेटर आप पीछे भी देख सकते हैं। अगर आप काम कर रहे हैं तो रात के टाइम आप इसमें हेलोजन हेडलाइट आप पीछे की तरफ आपको देखने को मिल जाती है। इस तरीके से ये काफ़ी पावरफुल ट्रैक्टर है। ये ट्रैक्टर आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आपके दोस्त अमजद को दीजिए इजाज़त। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।